हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे किसी समय टी पर कण का वेग अगर वी इक्वल टू ए टी क्यू प्लस बी टी स्क्वेयर प्लस सी टी, इस द्वारा इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो सी का विमीय सूत्र व मात्रक ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है सी का विमीय सूत्र। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी बी यानी वेलोसिटी बी क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ सी टी, क्योंकि हम लोग जानते हैं समान विमाओं वाली राशियों को ही परस्पर जोड़ा व घटाया अथवा बराबर रखा जा सकता है। इसलिए डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ सी टी होगा, डायमेंशन ऑफ सी टी। अब हमें निकालना है सी के विमा, या यहां पर निकालना है सी का विमीय सूत्र, डायमेंशन ऑफ सी, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बी यानी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम यानी टी। तो वी यानी वेलोसिटी की विमा क्या हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगी एल टी माइनस वन। ये हम लोग जानते हैं डायमेंशन ऑफ वी यानी वेलोसिटी की विमा एल टी माइनस वन अपॉन टाइम यानी समय की विमा हो जाएगी टी। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें दे देगा एल टी माइनस टू। अब इसका अगर फार्मूला पूछा जाए यानी कि सी का मात्रक, सी का मात्रक, तो ये आएगा एल यानी लेंथ लंबाई है, ये ना भी जाएगी मीटर, मीटर पर टाइम यानी सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे।